हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइज, आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी जिप्रो सिरप की। गाइज, आज के वीडियो में हम जानेंगे इस सिरप के यूज़ करने से क्या क्या फ़ायदा मिलता है, इसका क्या डोज है, क्या सावधानियां रखनी है इसको लेते समय, एंड इसका क्या नुकसान हो सकता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल बटन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट आपके पास पहुँच रहे। गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो ये 200 ml की क्वान्टिटी में आता है। इसका प्राइस है 115 rupees। इसको मैन्युफैक्चर करता है पगोडा फार्मास्यूटिकल कंपनी। ये आपको कोई भी मेडिकल स्टोर में इजीली मिल जाएगा। बात करें इसका यूज क्यों किया जाता है, क्या फ़ायदा मिलता है इसको लेने से, तो गाइज अगर आपको भूख नहीं लगती हो, खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता हो, शरीर में कमजोरी हो, थकान रहती हो, आलसपन हो, शरीर दुबला हो, खाना ठीक से तो खा रहे हैं शरीर पर नहीं लग रहा हो फिर भी दुबलापन है, उसके लिए काफ़ी इफेक्टिव सिरप है। ये शरीर की कमजोरी को दूर करता है, शरीर को हेल्दी स्ट्रांग बनाने में हेल्प करता है, शरीर में एनर्जी को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, शरीर में जो विटामिन्स की कमी उसको दूर करता है, शरीर को एनर्जेटिक फिट करता है। जो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, शरीर में कमजोरी है, काफ़ी इफेक्टिव सिरप है। इसमें साइपोहेप्टाडिन, हाइड्रोक्लोराइड, विटामिन जिंक, नियासिनामाइन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, डीम पैंथेनॉल पाया जाता है, जो शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने में हेल्प करता है, भूख को बढ़ाता है, वजन को सही करता है, पाचन को सही करता है, खाना जैसे डाइजेस्ट होगा तो शरीर में अपने आप लगेगा, एंड मसल्स को बढ़ा देता है, शरीर को हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बना देता है। बात करें इसकी डोज की तो 15 से ऊपर जो लोग हैं उनको लेना है 10-10 ml करके सुबह शाम, और बच्चों को देना है 5 से जो ऊपर है उनको देना है 5-5 ml करके सुबह शाम में, दोनों टाइम आपको देना है। बात करें सिर्फ साइड इफेक्ट की तो हर एक के ऊपर साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर आपको सूट नहीं करता है तो स्किन पर एलर्जी, रैसेस, दस्त, उल्टी, सरदर्द, इस टाइप के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको कोई मेडिसिन चल रहा हो, अन्य कोई दवाइयाँ ले रहे हो, एंड कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर लेना चाहती है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ये दवा को लेना है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली से जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।